गुजरात में चुनाव है, दिल्ली तक सियासी तनाव है, लेकिन गुजरात चुनाव को लेकर नेताओं का अपना पर्सनल असेसमेंट क्या है? गुजरात चुनावों को लेकर पार्टियों का अपना अपना सर्वे क्या कहता है? चुनाव के सबसे बड़े मंच पंचायत आज तक पर क्या कहा किस नेता ने, देखिए। गुजरात की चुनावी गर्मी चरम पर पहुंच रही है, बीजेपी का दम नजर आ रहा है। कांग्रेस कह रही है अभी दिग्गजों का आना बाकी है। आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी ताल ठोक दी है। जो कुछ भी दिख रहा है उसके बीच सवाल ये कि अब की बार गुजरात आखिर होगा किसका। मैं पूर्णतः विश्वस्त हूं कि इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने का रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त करने का रिकॉर्ड, दोनों रिकॉर्डों को तोड़कर एक नए कीर्तिमान बनाएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से एक बार यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पंचायत आज तक में अमित शाह ने रिकॉर्ड सीट और रिकॉर्ड वोट का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी के दावे किए। दावा ये भी कि अब की बार 125 सीटों पर जीत होगी। 77 सीटों से ज्यादा आएगी, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। वैसे तो 77 सीटें आएंगी, आपको लगता है? पिछले कुछ महीनों से केजरीवाल का पूरा फोकस गुजरात पर है, आम आदमी पार्टी ने पूरा दम लगा रखा है। पंचायत आज तक में जब दिल्ली के सीएम से उनकी पार्टी के प्रदर्शन पर सवाल हुए तो उनका जवाब सुनिए। अरविंद जी, आपने पंजाब में लिखित में दिया था, क्या उस लेवल का कॉन्फिडेंस है आपको कि आप लिखित में जैसा भविष्यवाणी कर दी थी ना आपने, तो उस मुख्यमंत्री के बारे में कि वो सीट हारेंगे, ये वो, वैसा कॉन्फिडेंस है पेपर और पेन मंगा लूं मैं? आप मंगा लीजिए, लेकिन क्या भविष्यवाणी होगी ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पेपर पेन मंगा लूं? हाँ, मंगा लूं। तो ये अब उन्होंने लिख भी दिया है। कांग्रेस की 5 से कम सीटें आएंगी, मतलब इसका क्या है? इसका बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन आप नंबर 2 की पार्टी हैं या आपकी सरकार? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस कोलैप्स कर रही है, धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं, बीजेपी नीचे आ रही है। उधर गुजरात के मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री मारी है। उम्मीद विपक्ष की भूमिका निभाने तक ही शायद सीमित है, लेकिन अभी तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। किंग मेकर बनते हैं लोग पॉलिटिक्स में, जो कम सीटों पर लड़ते हैं। आप 12 सीटों पर लड़के क्या करेंगे सर, 182 में से समझ नहीं आ रहा है। तो अभी फैसला नहीं हुआ, 12 लड़ेंगे 20 लड़ेंगे, मगर इसका फैसला करेंगे हमारे अध्यक्ष जनाब साबिर काबुलीवाला साहब। जंग गुजरात की है, मुकाबले में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी ओर कौन? आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस दौड़ से बाहर है, कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी के दावे खोखले हैं। किसके दावों में कितना दम है, ये 8 दिसंबर को हिसाब हो पाएगा। आज तक ब्यूरो।